स्वयंसेवक संघ की संस्था लोक भारती, जो शहर में और ग्रामीण में रहन सहन लोगों के जीवन के उत्थान के लिए काम करता है, उसके अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्री बजेन्द्र सिंह जी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या लोक भारती कैसे काम कर रहा है, बताइए जान। नमस्कार। लोक भारती का एक महत्वपूर्ण काम तो ये है कि समाज में अच्छा काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। वो व्यक्तिगत होते हैं, हो सकते हैं, संस्थागत हो सकते हैं, लेकिन उनका कार्य वही सीमित रहता है। लोक भारती ऐसे लोगों को खोज करके एक दूसरे से मिलाने का काम, एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। एक महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा कार्य है जो वर्तमान में संकट खड़ा है हमारे सामने विभिन्न प्रकार का, उसमें पर्यावरण का भी विषय आता है, जल संकट का भी विषय आता है, खाद्यान्न का भी विषय आता है, प्रकृति का और कृषि का सब आता है, तो उन पर भी लोक भारती कार्य करती है। उसमें एक विषय लिया है हम लोगों ने, मंगल परिवार। तो हम सेमिनार बहुत करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा बोलते रहते हैं लेकिन पानी के लिए करते कुछ नहीं है जी। तो हमारे घर से शुरू हो कि हमारे घर में पानी का सदुपयोग हो, रिसाइकिल हो, वर्षा जल का रिचार्जिंग हो, और हमारे कैंपस से, हमारा विद्यालय हो सकता है, आश्रम हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, वहाँ ये सब चीज़ शुरू हो। तो अनेक लोग शुरू कर, मंगल परिवार में क्या क्या करना चाहते हैं उसमें? मंगल परिवार का मतलब ये है कि हम विचार करते हैं कि भारत विश्वगुरु हो। तो विश्वगुरु होने के लिए हमें क्या करना है? वो चीज जो विश्व के पास नहीं है, हमारे पास है केवल, वो है वसुधैव कुटुंबकम। और विश्व चाहता है पूरा विश्व बाजार बने। तो विचार इसका करना है कि हमको बाजार बनाना है या परिवार बनाना है। तो उसकी शुरुआत विश्व स्तर पर होने से पहले जरूरी है हमारे घर से शुरू। तो उस घर में स्वच्छता से प्रारंभ होता है। हमारा घर स्वच्छ रहे, पवित्र रहे, उसके लिए कार्य शुरू किया है करनी है कि हमारे घर से जो हरा कचरा निकलता है वो ही जाकर सड़क पर बदबू पैदा करता है। और कुल कचरे का मैं समझता हूँ कि एक तिहाई भाग वही होता है। तो इस विधि से घरों में एक उपकरण लगवाते हैं, डिब्बा लगवाते हैं, उससे जो भी हरा कचरा डालेंगे वो तुरंत तरल खाद में बदल जाएगा। उसको 20 गुना पानी मिलाकर घर में टेरिस गार्डन, रसोई वाटिका, औषधि वाटिका शुरू करते हैं, जिससे कि कचरा भी जाना बंद हो गया तो घर में अपनी चीजें मिलना शुरू हो गई। ये की अभियान बड़े पैमाने पर लिया है। इसके अलावा गौ आधारित प्राकृतिक कृषि करने से लिया है कि गाय किसान के पास ही सुरक्षित रह सकती है, और गाय रहेगी तभी हमारी भूमि उर्वरा बनी रहेगी, तभी हमको खाद्यान्न जो मिलेगा वो इम्यूनिटी पावर वाला मिलेगा। इसको जोड़ करके एक बड़ा अभियान पूरे देश भर में शुरू हुआ है। और सरकार भी अब इस काम में सहयोगी बनी है। एक बड़ा काम ये हम लोगों ने लिया। इसके साथ साथ ही जागरूकता का काम, शहर और गाँव को जोड़ने का। उत्पादन तो गाँव में होगा लेकिन उपभोक्ता शहर में है, तो दोनों जुड़ेंगे तभी वो काम आगे बढ़ेगा। गाय भी सुरक्षित रहेगी, खेत भी सुरक्षित रहेगा, उत्पादन जो होगा वो भी सुरक्षित होगा, और वो उत्पादन ऐसा होगा उसमें उस किसान को फिर MSP या सरकार की बैसाखी खत्म हो जाएगी और अपने निर्धारित मूल्य पर बेचने की स्थिति। अच्छा, तो ऐसा एक बड़ा, तो इस तरह का काम कहीं हुआ है अभी थोड़ी चल रही है? नहीं, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पर 4 से 10 किसान ऐसे ना कर रहे हों। अच्छा। और इतने ही नहीं, तो अब उत्तर प्रदेश भारत सरकार ने भी इस विषय को अपने उसमें जोड़ा है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने तो अभी पिछले दिनों जो उनके 10 क्लाइमेटिकल जोन के सेंटर हैं, प्रदर्शन केंद्र, उस पर 2-2 एकड़, 1 एकड़ 2 एकड़ मॉडल शुरू कर दिया है। कल मैं अलीगढ़ में था, 2 एकड़ उन्होंने शुरू किया है, गेहूँ दिखा रहे थे, बहुत अच्छा गेहूँ। अच्छा। तो वो अगले उससे पूरा उनका प्रदर्शन केंद्र इससे आच्छादित हो जाए। तो सब इस काम को भारत सरकार और प्रदेश सरकार भी कर रही है, पर्यावरण ये सब जल संबंधन आप भी कर रहे हैं, तो दोनों को समन्वय हो पाया है क्या? बिल्कुल। अभी उत्तर प्रदेश भारत सरकार में नीति आयोग
नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो इस विषय को कर भी रहे हैं। स्वयं खेती लेकर इस ढंग से खेती उन्होंने शुरू करा। अच्छा, हमारे गुजरात के राज्यपाल हैं, कुरुक्षेत्र में गुरुकुल के प्रमुख थे, 200 एकड़ जमीन है, पूरी इसी विधि से खेती हो रही है। और गुजरात के राज्यपाल बनने से पहले हिमाचल के राज्यपाल थे, पूरा हिमाचल प्रदेश इस विधि से पूरी खेती सरकारी स्तर पर करने लगा है। अच्छा। गुजरात में लगभग 50,000 किसान इस ढंग से करने लगे हैं। अच्छा। तो उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री के साथ बैठा था, कृषि विभाग के अधिकारी बैठे, उसमें से तय हुआ जितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं सब कृषि विज्ञान केंद्रों पर इस वर्ष मॉडल इसका शुरू हो जाए। तो क्या संघ खेती को, गायों को, घरों को अपने अनुसार चलाना चाहता है क्या? नहीं, कुल मिलाकर हमको उस रास्ते पर जाना है जो हमने विकास अभी किया। आप विचार करोगे किसी विकास के बिंदु को ले लो जिस पर हमको पीछे लौटना ना पड़े, ठीक है, तो विचार इसका करना पड़ेगा वास्तव में विकास है कि विनाश। विकास तो वो है जिस पर आगे बढ़ने के बाद पीछे लौटना ना पड़े। हाँ। वो कहाँ से होगा? भारतीय संस्कृति जिसकी विश्व को जरूरत है। तो लोग भारतीय उन परंपराओं को, उन व्यवस्थाओं को जो विज्ञान के आधार पर भी कसी जा सके। विश्व तो बढ़ रहा, औद्योगिकरण को बढ़ रहा विश्व तो नहीं। देखिए विश्व के रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो पीछे नहीं लौटना पड़ेगा, विध्वंस की ओर हमें जाना पड़ेगा। अच्छा, अभी ये भी चाहता हूँ उनकी उनका मानक क्या है? जीडीपी। जीडीपी का मतलब है अधिक उपभोग करना। हाँ। अधिक उपभोग करने का मतलब है कि कूड़ा इकट्ठा करना, हमें जरूरत नहीं है, फिर उपयोग कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। जबकि हमारी संस्कृति कहती है सीमित उपयोग करना। हाँ। तो दोनों में बड़ा विरोधाभास है। उनका है विश्व बाजार बनाना। हाँ। और हमारा है विश्व परिवार बनाना। जी। तो वास्तव में विश्व का कल्याण वसुधैव कुटुंबकम से होगा, विश्व बाजार से नहीं होगा। तो शादी विवाह के नाम पर जो फालतू प्रदर्शन हो रहा है इसके बारे में कुछ विचार है लोक भारती का क्या? देखिए शादी विवाह जब हमारे गांव में होते थे जी, विचार करिए 300-400 लोग आते थे। हाँ। बैलगाड़ी लेकर आते थे जी। उन 400 लोगों के 3 दिन की रहने की व्यवस्था गांव पर, चारपाई की भी रहने और भोजन की जी। कोई टेंट हाउस नहीं आता था। हाँ जी, कोई हाँ। भोजन बनाने वाला नहीं आता था, सब गांव के लोग मिलकर कर लेते थे। आज तो टेंट हाउस आता है, कैटर्स आते हैं, और उसके आने पर क्या होता है कि कौन रिश्तेदार आया, कौन संबंध का आया, कोई मतलब नहीं। आए जानवरों की तरह इकट्ठे हुए, खाया और भाग गए। तो परिवार व्यवस्था जो है वो तो नष्ट हो रही वहां से, और परस्पर सहयोग का विषय ही खत्म हो गया। कि जब हमें किसी से कुछ लेना होता है सहयोग तो हम संबंध उससे रखते हैं, अब हमें संबंध रखने की जरूरत कहाँ बची? टेंट वाला आएगा, वो टेंट व्यवस्था कर देगा, क्यों? और परसने बनाने वाला आएगा, वो बना देगा, वही खिला देंगे, तो हमें पड़ोसी नमस्ते करने की जरूरत कहाँ रही? सर, पर्यावरण बचाने के लिए सभी राज्य सरकारें हर साल करोड़ों पेड़ लगाती हैं, उसमें पेड़ बचते नहीं है, फिर नए पेड़ हर साल करोड़ों पेड़ लगते हैं। तो ये काम लोग भारतीय कर ले पेड़ लगाने का सरकार के स्थान पर तो कैसा रहे? हमारा सबसे निवेदन ये है कि हम कर्ज में न जिए जी। कर्ज माने हम प्रकृति से कर्ज लेते हैं, श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन। हाँ। लेते हैं। हाँ। तो ऑक्सीजन लेने के लिए जितना पौधा चाहिए तो क्या हमने उतना लगाया? ये जब कॉन्सेप्ट होगा, ये ध्यान में होगा, तो हम एक पौधा अगर लगाया, हमारे परिवार के लिए 2 पौधे चाहिए तो हम लगाएं, उनको सुरक्षित लगाने की हमारी गारंटी। तो पौधा लगने के बाद कोई मरेगा नहीं, और इस अभियान में से वातावरण तो बन सकता है, लेकिन 1,000 लगाए तो 1 बच्चे का उसमें। तो इस अभियान को किया है, जागृत किया है, उसी में से ही घर में भी जागृति पैदा की जा रही है। भाई टेरिस गार्डन बनता है उसमें सब्जियां भी मिलती हैं, फल भी मिलती हैं, औषधि चीजें भी मिलती हैं, और हमारे घर का टेम्परेचर भी घट जाता है, और हमारा भी ब्लड प्रेशर घट जाता है। तो एक एक कदम ऐसा जो करनी है हम कर सकते हैं, वो लोग भारती का काम है।